स्वागत आप सभी का यहाँ पे। यहाँ पे अभी क्वाइट इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने वाले हैं अमंग ऑल ऑफ यू। सो मैनी क्वेश्चंस आई वुड से। सो रिव्यू मीटिंग का जो पावरी सेक्टर बैंक्स में हुई है उसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज मिली हैं। सो व्हाट आर द एग्जैक्ट डेवलपमेंट्स देयर रिगार्डिंग द बैंक पेंशन को लेकर यहाँ पे जो बात करी गई है उसके रिगार्डिंग, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे अमंग ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर जो कि रिव्यू मीटिंग है विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में जो हैपन हुई है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। सो ऑल द एमडी सीईओ ऑफ द 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बैंक पेंशन को लेके यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं रही है। जो इम्पोर्टेंट वार्तालापें रही हैं यहाँ पे, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट इन्होंने बात करी है दैट इज इंक्रीज इन द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल सर्टिफिकेट्स रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए, बिकॉज पब्लिक सेक्टर लैंडिंग के टारगेट काफ़ी पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सो उसके रिगार्डिंग उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात रही है। नेक्स्ट इज मीटिंग विद मीट द स्वनिधि टारगेट्स, जो पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च हुई है पहले फर्स्ट 10,000 आफ्टर दैट 20,000, उसका जो मोमेंटम है उसको फास्ट करने की कोशिश की यहाँ पे दोस्तों बात रही है। एंड थर्ड इज प्रॉपर फेयर रेकोगनेशन ऑफ एनपीए बैंक शुड मोनिटर इंटरनली। सो जो रेकोगनेशन है एनपीएस का वो यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए और वो फेयर भी होना चाहिए। अगर आपको एनपीएस को यहाँ पे दोस्तों मॉनिटर करना है इंटरनली, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एनपीएस को मॉनिटर जो फेयर एंड प्रॉपर पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो एनपी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। दैट इज़ अराउंड आई थिंक 3-4% एवरेज है जो कि 10 ईयर लो के ऊपर दोस्तों चल रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे काफ़ी जो डिविडेंड्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने वो यहाँ पे उनका जो पिक्चर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 795.94 करोड़ का डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 22-23 में दिया है, एंड कैनरा बैंक ने 1,370 करोड़ का डिविडेंड दिया है, एंड इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 बैंक ऑफ इंडिया 668.17 करोड़। पीएनबी का यहाँ पे 524 है जो कि कम है, पीएनबी शुड इम्प्रूव। सो यहाँ पे ये कुछ डिविडेंड्स की पिक्चर्स हैं। स्टेट बैंक ने हाइस्ट दिया है 5,740 करोड़, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर श्री दिनेश कुमार खारा जी जो कि चेयरमैन है ऑफिशियल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड डीएफएस इंडिया में यहाँ पे श्री विवेक जोशी इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द ओकेशंस। सो ये लेटेस्ट इस वीक की प्रॉपर डेवलपमेंट्स हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स की दोस्तों रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। सो काइंडली शेयर द अपडेट।